लुई और मुई स्कूल से वापस आ रहे थे तो देखा सामने चाट का एक ठेला लगा है और वहाँ गुड़िया चाट खा रही है। अरे भैया चाट दे दो जल्दी से। हाँ दे रहा हूँ गुड़िया, तू तो रोज यहाँ चाट खाती है, तू तो मेरी रेगुलर ग्राहक है, तुझे तो मैं ज्यादा चाट दूंगा। हाँ हाँ भैया मस्का थोड़ा कम लगाओ और चाट दे दो, सुंदर बत्तखी देखी नहीं कि मस्का लगाने लगते हैं। अरे नहीं गुड़िया, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मुझे 5,000 पॉकेट मनी देते हैं महीने की। अरे गुड़िया वाह वाह वाह। और तुम क्या कमा लेते हो? मैं रोज का करीब 2,000 कमा लेता हूँ। हाँ इतना पैसा? मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या गुड़िया? अरे चुप करो, तेरे जैसे कितने मेरे आगे। तभी लुई वहाँ पहुँच जाता है, साथ में मुई भी। अरे गुड़िया तू यहाँ चाट खा रही है, चल चाट वाले को छोड़, मेरी तो गर्लफ्रेंड बन सकती है। हाँ हाँ लुई बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अभी बताती हूँ। बत्तकी ने लुई को खूब पीटा, चप्पलों से भी पीटा, घसीट घसीट कर पीटा। ये ले कहाँ है मेरे डंडे, कहाँ है पत्थर, ये सब कुछ ले। थोड़ी देर बाद लुई उठा और कपड़े झाड़ते हुए बोला, तो फिर मैं इसे इनकार समझूं? अरे कहाँ गए, मेरा बंदूक इसे गोली मार दूंगी। अरे भाग रे लुई, यहाँ माहौल बड़ा खराब है। हाँ हाँ चलो चलो कोई नहीं, जाने दो बहना, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, राखी में राखी बंधवाने आऊंगा, चाट खाओ चाट, चाट के पैसे दे दूं क्या, चल भाग यहाँ से। लुई और मुई वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टीकू बत्तख ने खेत में बैगन लगाए हैं। अरे पिताजी ने तो बैगन लगाया है, बैगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ अब चल यहाँ से आगे, नहीं तो पिताजी खेतों में काम करवाने लगेंगे। लुई और मुई वहाँ से निकल जाते हैं। टीकू और चील खेत की रखवाली कर रहे थे। देखा चील कितनी अच्छी फसल हुई है हमारी, तू रखवाली करना, किसी पंछी को खाने मत देना। हाँ मालिक एकदम टेंशन फ्री रहो मालिक, किसी को खाने नहीं दूंगा मैं। टीकू वहाँ से चला जाता है। मीनू मौसी वहाँ से गुजर रही थी। अरे वाह ये बैगन के खेत तो बड़े अच्छे हैं। नीचे उतरती है, एक बैगन को तोड़ती है। अरे मीनू मौसी जान प्यारी नहीं है क्या, क्यों तोड़ रही है बैगन? अरे अरे चील ये टीकू का खेत है ना? हाँ। अरे टीकू ने मुझे कहा है, टीकू ने बोला एक झोला बैंगन तोड़कर लेते आना। अच्छा मालिक ने तो मुझे नहीं बताया था। अरे उसने कहा गौरी आज बैंगन बनाएगी इसीलिए मैं बैंगन लेने आई हूँ। अच्छा ले जाओ फिर। मीनू मौसी बैंगन तोड़कर झोले में भरकर अपने घर ले आती है। ये लो आज तो मैंने ढेर सारे बैगन तोड़ लिए हैं। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया पहुँचती है। अरे मीनू मौसी मैंने देखा थैले में आप बैगन लेकर आ रहे थे। हाँ हाँ बैगन लेकर आ रही थी, लेकिन आज बाजार में तो बैगन था ही नहीं, तुम बैगन कहाँ से ले आई? अरे वही टीकू के खेत से। क्या बात करती हो मौसी, क्या टीकू ने दे दिया तुम्हें बैगन, वो कंजूस मक्खी चूस। अरे जैसे को तैसा, अब अगले 7 दिन के लिए खाना हो गया फुल। चलो मौसी तुम कर लेती हो, मेरे से तो ये ना होगा। अगले दिन टीकू पहुंचता है खेत। अरे चील ये बैगन कम क्यों नजर आ रहे हैं? मालिक आपने ही तो मीनू मौसी को भेजा था एक झोला बैगन लेने के लिए। अरे मैं क्यों भेजूंगा, मैंने मीनू मौसी को नहीं भेजा था, लेकिन मालिक वो तो आपका ही नाम ले रही थी। अरे मीनू ने बेवकूफ बनाया, ठहर जा आज मीनू का इंतजाम करता हूँ, अगली बार जब मीनू आए तो मीनू को कहना कि अंदर टमाटर भी रखे हुए हैं, और जब वो टमाटर लेने आए तो मीनू को पकड़ लेना। ठीक है मालिक जैसा।
आओ आओ मीनू मौसी, आज भी बैगन लेने आई हो क्या? हाँ हाँ, आज भी बैगन लेने आई हूँ। आज तो टीकू के बच्चों को बैगन का भरता खाना है। अच्छा अच्छा, ले जाओ और टमाटर भी ले जाओ, वो घर में रखे हुए हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मीनू मौसी टमाटर का झोला लेने के लिए घर के अंदर घुसती है और चील दरवाजा लगा देता है। अरे मुझे जाने दो बाहर। अरे मौसी, टीकू खुद आ रहा है तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। अरे अरे मुझे जाने दो चील, मुझे जाने दो, टीकू आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों मौसी, तुम तो टीकू के लिए ही ले जा रही हो ना। अरे छोड़ दो, मैंने झूठ बोला था, मुझे बैगन खाना। अरे बंद करके रखा है मीनू को। हाँ मालिक, ये रही अंदर। टीकू अंदर पहुँच कर मीनू मौसी को डंडों से पीटता है। अरे हाय रे, छोड़ दे, अरे छोड़ दे टीकू, एक बैगन ही तो खाया था। अरे तुमने एक बैगन खाया था, तीन तीन झोले बैगन खा लिए मेरे। मीनू मौसी की चीखें सुनकर जंगल के बाकी पक्षी भी वहाँ जमा हो जाते हैं। अरे टीकू छोड़ दो। हाँ हाँ टीकू छोड़ दो, टीकू भैया छोड़ दो, ये अब तो गलती कर चुकी है, अब आगे गलती नहीं करेगी। तुम लोग कहते हो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन मीनू मौसी को मेरे खेतों में 15 दिन काम करना पड़ेगा जो इसने बैगन चोरी किए हैं। हाँ हाँ मैं कर दूंगी, सब कुछ कर दूंगी। ठीक है, जाओ मीनू मौसी, कल से काम पर आ जाना। पर मीनू मौसी, मैंने तुम्हें उस समय भी कहा था, हम ऐसा करते हैं, बैगन और पौधों के बीज ले आते हैं, हम अपना बैगन अपनी फसल खुद ही तैयार करेंगे। सब लेकर बाजार से बीज आते हैं और अपना खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उनके खेत लहलहाने लगते हैं और उनके खुद के अनाज ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तभी टीकू उधर से गुजरता है। अरे वाह, कितने सुंदर अनाज है, एक मकई तोड़ लेता हूँ मैं। और टीकू एक मकई तोड़ लेता है। तभी पीछे से मीनू मौसी एक डंडे से टीकू को मारती है। कैसा लगा? हाँ, जैसे तूने एक मकई मेरा खा लिया, मैंने भी तो तेरा एक झोला बैगन लिया था तो तूने कितना मारा था। चल भाग यहाँ से, चोर कहीं का, तूने मेरे मकई क्यों चुराए? अरे अरे मीनू मौसी माफ कर दो। अरे माफ क्यों करूं? ले दो डंडे और ले। चल भाई चील, चल यहाँ मीनू मौसी तो बदला लेने पर आ गई है। हाँ मालिक, चलो मालिक। टीकू वहाँ से चला जाता है।